द्वारा दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस क्लास 12th के अकाउंटिंग में डीके गोयल सर की बुक से, अकाउंटेंसी की बुक से हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की, जो कई बुक्स में क्लास चैप्टर 1 के नाम से और नई बुक्स में चैप्टर 2 के नाम से गाइस। और इस चैप्टर में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 42 कर लिए थे, जिस पर हम उस टॉपिक पर आ गए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग कॉन्सेप्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पार्टनरशिप में पढ़ा है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। गाइस पूरी पिक्चर में जो मैंने कहानी बताई थी कल आपको बार बार वो एक ही कहानी थी कि सर हमारी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएशन की होगी, मतलब हमने अप्रोप्रिएशन करने होंगे नहीं किए होंगे, या नहीं करने होंगे कर दिए होंगे, वर्सेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन दो बातों का ख्याल रखना है। दूसरी बात, क्वेश्चन हमसे कभी नहीं बोलेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने की, पर अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन गिवन क्या होगी, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाकर काम करेंगे। और फिर कहानी थी प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो टू बी क्रेडिटेड है या शुड बी क्रेडिटेड उनको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तर्ज पर आगे चलेंगे। ये गाइस कहानी होगी जो पूरे चैप्टर में हमें समझनी होती है। गाइस कहानी ए बी सी एंड डी चार पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1, जो हमेशा मैं लिख कर चलता हूँ ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स ऑफ ₹900,00,000 जो पिछले क्वेश्चनों में नहीं दिया था, तो मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बना पाया था, इस बार दिया है तो मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बड़े ईजीली बना सकता हूँ। और गाइस 900,000 का प्रॉफिट दिया है जो बंदों ने ऐसे ही बांट लिया है, इन भाइयों ने ऐसे ही बांट लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग सम अप्रोप्रिएशन। वो सम अप्रोप्रिएशन क्या है गाइस, एक तो सैलरी देनी थी मिस्टर बी को, ए को, बी को और डी को, सी को कुछ नहीं देना, ए बी और डी को सैलरी देनी थी, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज अप्रोप्रिएशन और नॉट, सर अप्रोप्रिएशन है ये सारी चीजें। गाइस हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, पी एस आर हमारे पास गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड क्या होंगे गाइस, 900,000 रुपए के डायरेक्ट बांट दिए, उन्हें डेबिट कर दूंगा, टू बी क्रेडिट के हिसाब से उन्हें क्रेडिट कर दूंगा, पी एन एल अप्रोप्रिएशन बना लूंगा। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, दो मिनट हमारे इंट्रो में चले गए, तो क्या हुआ 5 से 6 मिनट में हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सब बच्चों को पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाना आता है कि नहीं, सर आता है, आपने सिखाया है और हमें खुद से भी आता है। चलो गाइस फटाफट से, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तुमसे बनाने को, बुक नहीं बोलती है, पर हम बनाते हैं ताकि हमें खुशी हो, हमारा आंसर गलत ना आए, दुनिया को पता चल जाए कि हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना आता है। कुछ दिनों बाद अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना, हमारे यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाए जाते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो आपसे बनाते बनवाएंगे। तो गाइस सबसे पहली बात बताओ, मैं बना क्यों रहा हूँ, मैं कैसे पता करूंगा मुझे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। गाइस मेरे पास प्रॉफिट गिवन होगा जैसे या लॉस गिवन होगा, सारे क्वेश्चन में गिवन है, और विदाउट प्रोवाइडिंग से आप समझ जाओगे, ओमिटेड वर्ड से आप समझ जाओगे, टू नॉट टू बी रिकॉर्डेड वर्ड से आप समझ जाओगे, हैज बीन रिकॉर्डेड वर्ड से आप समझ जाओगे, इट इज अ पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन कहे यार, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हट चुके हैं, क्योंकि यहाँ कहानी अप्रोप्रिएशन की है। ओके, टू सैलरी में एक ही एड लिख रहा हूं दोस्त, क्योंकि कैपिटल के बारे में कुछ फिक्स्ड नेचर नहीं बताया, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, तो मैं क्या मानूं सारी बातें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, डीस कैपिटल अकाउंट। गाइस पता है आपको क्या होता है, इधर कमाल इधर, सर क्यों बना रहे हैं बेटा, वर्किंग नोट है मेरा, मेन सॉल्यूशन तो नीचे आएगा, बट मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेज खाली ना हो जाए, ये आपको हमेशा वर्किंग नोट में करना है, कहीं लिखा नहीं, वो ले बोलेगा सिर्फ नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, मतलब समझ रहे हो कौन बंदा डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से होना है। सबसे पहले बताओ ए को जो सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ देनी है, तो पूरे साल में कितनी दूंगा, 1,80,000। बी और डी को देनी है 30,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो ना बेटा, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब एक साल में 4 बार सैलरी देनी है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 30,000 × 4, कभी गलती से 3 से × मत कर देना, मैं कई बार इंटरेस्ट ड्राइंग में आपको बताता था। नेक्स्ट है बेटा 1,20,000, 18, 12, 30 और 12, 42। कई बच्चे बोलेंगे सर बुक में तो डायरेक्ट कर रहा है, आप क्यों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जिद कर रहे हो, आपका भाई लगता है क्या। बेटा अब समझ में आएगा मैं क्यों करता हूँ जिद, अब सुनना बात, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कहाँ जाएगा, ए के खाते में कितना, बी के में कितना, सी के में कितना, डी के में कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा दिया है या 1:1:1:1 मानना है। सर ऐसे कैसे, ये दिया हुआ है आप पहले ही लिख कर चलते हैं। तो बच्चे मेरे 9 लाख में से 4:20 जाएगा तो 4:80 बाहर आएगा, 9 लाख में से 4:20 जाएगा तो 4:80 बाहर आएगा। और 4:80 को हम कैसे बांटेंगे देखो जरा, 2:2:1:1 मतलब 2/6, 1,60,000। मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ दिमाग से, आप भी करते रहना। सोलह सोलह बत्तीस अड़तालीस सही है, ये हो गया दोस्त आपका 4,80,000 रुपये इस तरीके से जाएगा। अब मेरी बात समझना, हमारा मेन सॉल्यूशन क्या था जो बुक में होता है, प्रॉफिट कैसे जाने चाहिए थे, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड या टू बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिटेड या टू बी क्रेडिटेड बच्चे किस, अरे ये क्या कर दिया मैंने पूरा कॉलम क्यों खेल लिया, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट बेटा कैसे जाने थे बच्चे बताओ, ये ए की सैलरी है ना, ए के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी सर, कितनी जाएगी बेटा 1,00,000, अरे सर ऐसे जोड़ा जाड़ी कहाँ कर रहे हैं, 1,80,000। बी के खाते में बेटा कितनी जाएगी, 1,20,000। सी के खाते में कुछ नहीं जाएगा और डी के में 1,20,000। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट 1,60,60,80 और 80। सर आप जैसे सिखा रहे हैं सर बुक में नहीं दिया, मुझे पता है बेटा मुझे पता है, मैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, आपको ये पसंद है आप ये कर लेना, बुक वाला भी मैं कराऊंगा। 18 और 16 3,40,000, 12 और 16 2,80,000, यहाँ सिर्फ 80,000 और यहाँ 2,00,000 रुपये, लो देखना 9 हुआ नहीं हुआ पूरा, 34, 48, 62, 72, 79, 9,00,000 बेटा। टू बी क्रेडिटेड बच्चे कैसे हो गया, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, इसको क्या बोलते थे बच्चे याद है, सर इसे डेबिट बना लोगे आप मुझे पता है, और जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट ही रहने दोगे, मतलब ये तो रियल में क्रेडिट की नज़र से देखना है मुझे ये वाला, और इसको डेबिट की नज़र से देखना जो यहाँ आएगा, तो जो यहाँ आएगा वो कैसा होगा, 9,00,000 को बांटा तो इसी रेशियो में ना, 2:2:1:1। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपको अल्टीमेट कंसेप्ट है, अल्टीमेट मतलब क्वेश्चन कितना भी भयंकर हो आप इससे कर लो, क्योंकि बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट में जो गलतियाँ ही होती हैं बच्चों से वो समझ ही नहीं पाते, सर बुक एक क्वेश्चन तो ऐच्छी कर रही है, दूसरा क्वेश्चन ऐच्छी कर रही है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपने 42 वाला कराया वैसे, एक 43 करा रहे हो वैसे, एक 44 टाइप आएगा या 48 टाइप आएगा वो अलग ही होगा कुछ, आप अगर ये कर बैठे, पर इसकी कंडीशन क्या है आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिया हो, अब दुनिया का हर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर लोगे यार। चलो 9,00,000 को बांटा कैसे होगा बेटा, 2/6 में बांटूंगा तो यहाँ 3,00,000 आएगा बच्चे, यहाँ 3 आएगा, नेक्स्ट वाले में भी 3 आएगा, यहाँ 1.5 लाख आएगा और यहाँ 1.5 लाख आएगा, बात समझ में आई या नहीं आई, अब बात समझना दूसरी तरीके से, मुझे पता है बच्चे बोलेंगे सर इस तरीके से नहीं हो रहा उस तरीके से नहीं हो रहा, बस 2 मिनट मेरी बात और सुन लो, आंसर तुम्हारा सही निकाल के दिखाऊंगा और लॉजिक बताऊंगा क्यों। 3,40,000 को मैं क्रेडिट की नज़र से देखूं या डेबिट की नज़र से, पहले तो ये बताओ सर, इसे क्रेडिट इसे डेबिट, मतलब जो मेरा 40,000 निकलेगा बेटा, जो बेटा मेरा 40,000 निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरे बच्चे, क्रेडिट, पक्की हो गई बात, ये 2,80,000 क्रेडिट 3,00,000 डेबिट, मतलब मेरा बेटा 20,000 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेबिट। नेक्स्ट बेटा ये बेटा 80,000 रुपये क्रेडिट और 1.5 लाख डेबिट, डेबिट जीत गया सर, डेबिट डेबिट जीत गया सर, 70,000 से आप कर दो इसे डेबिट। नेक्स्ट बेटा 2,00,000 से क्रेडिट और 1.5 लाख से डेबिट, मतलब क्रेडिट जीत गया सर 50,000 से, इतनी बात समझ में आई, कहानी देख लो, क्रेडिट 50 और 40 90 और डेबिट 20 और 70 90, मतलब डेबिट कौन कौन सी कैपिटल हुई है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रहा बेटा बी, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्यों कर रहा हूँ, कहीं नेचर फिक्स्ड नहीं दे रहा है, 2 A's कैपिटल, 2 D's कैपिटल, डी
डी और बी एक जैसी बन जाते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा 40,000, यहाँ लिखेंगे बेटा, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 20,000 बेटा, 70,000 ए में लिख दोगे आप 40,000 और डी में लिख दोगे आप 50,000। सर आंसर तो यही आ रहा है शायद हमारा, बट हमने जो एग्जांपल देखी, हमने जिस तरीके से कर रहे हैं और क्वेश्चन बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड, वो ऐसा नहीं था सर। मैं बताऊं वो कैसा था, आपका वाला तरीका भी चलते हैं, दोनों में कोशिश ढूंढते। पहले ये बताओ नेट प्रॉफिट बेटा कितना है, 9 लाख रुपए, ऐसे ही बटा होगा, ये बात तो मानते हो। मतलब अरे यार एग्जांपल कैसे दिया जाए, पैसा तो आज है नहीं हमारे पास। हाँ 9 लाख रुपया जो है वो हमारा ऐसे बटा होगा। अब ये 9 लाख में से पूरा का पूरा 9 लाख ऐसे बटा, पर आप इसके दो टुकड़े कर रहे हो पीएनएल अप्रोविजन के, 4:20 बटना चाहिए अच्छे सैलरी के रूप में और 4:80 बटना चाहिए प्रॉफिट के रूप में। एक मेरी बात बताओ, ये 9 लाख में से 4:80 तो जैसे बटना चाहिए वैसे ही बटा है या नहीं बटा है? सर वैसे ही बटा है। गलती बेटा कहाँ पर है, सिर्फ 4,20,000 में। तो होता क्या है, बुक कैसे करती है, एक मिनट समझ लेते, 2 मिनट की कहानी है समझना मेरा। 18, 12, 30 और 12, 42 देखो बुक कैसे करती है वो भी तरीका देखते हैं, कोई बुराई नहीं है, और वो आगे जाके कंफ्यूजन ना करे। मैं इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन का सहारा लेता हूँ, मैं इसलिए बच्चों को जिद करता हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, क्यों करता हूँ वो भी आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले बात समझना, ए बी सी और डी सैलरी किस किस को मिलनी थी बेटा, यहाँ से देख रहा हूँ क्वेश्चन को। 1:80 मिलनी थी सर ए को, 1:20 मिलनी थी सर बी को, सी को सर मिलनी नहीं थी और डी को मिलनी थी 1,20,000 बेटा। तीनों को टोटल लगाना क्या आएगा, 12 और 12, 24 और 18, 42, 4,20,000 आएगा, नहीं आएगा मैं साइड में कर ले रहा हूँ, ढगे नहीं है यहाँ पर। 4,20,000 को बेटा प्रॉफिट में बांट दो, जैसा हम पहले कर रहे थे, याद है अभी भी थोड़ी देर पहले भी यही कर रहे थे, जब हमारे पास प्रॉफिट नहीं दिया था। 4,20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 2:2:1:1 में 2/6 आएगा आपका, 1:40 70 और 70। एक बात बताना, ये जो है चीजें सैलरी है ये अप्रोप्रिएशन है या नहीं, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिछले क्वेश्चन में जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये चीजें रियल में क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और ये नहीं हुई है तो मुझे इन्हें तो क्रेडिट की नजर से देखना है बेटा। क्या वर्ड लिखता था मैं, प्रॉफिट्स शुड बी या टू बी, प्रॉफिट्स शुड बी या टू बी, इन्हें बेटा मैं किस नजर से देखता था बच्चे, क्रेडिट की नजर से, और इनको मैं क्या बोलता था, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, और इनकी नजर मेरी कैसी होती थी, डेबिट वाली नजर, समझ गए, जंग जीत गए आप। चले ऐसे ही कराओ हमको बेटा, अभी तो करा दूंगा। 40,000 रुपया क्या करूं बेटा, कौन जीता है, क्रेडिट जीता है सर, ठीक है बेटा 2 मिनट रुकना। 40,000 रुपया कौन जीता है, क्रेडिट, एक तो CRDR साले सब एक जैसे लग रहे हैं अब, सही है, 1:40, 1:20 बेटा डेबिट का ज़्यादा है सर, 20,000 बेटा कौन जीता बेटा, डेबिट बेटा, 70,000 बेटा क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, डेबिट बेटा, 70 में से 1,20,000 गया, 50,000 क्रेडिट बेटा, रुको ना, 50,000 से क्रेडिट, हमारा वाला क्वेश्चन देखना, 40-50 से क्रेडिट, 40 और 50 से क्रेडिट, 20-70 से डेबिट, सर ये जादू हुआ कैसे, आपने प्रॉफिट तो लिए ही नहीं यहाँ पर। इसके लिए आपको मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक मिनट में समझ पाओ तो समझ लेना और समझ कर भूल जाना, अगर गलत ना आए समझ में तो। बात समझना क्या है, मैं इतने प्रॉफिट को यहाँ भी रख रहा हूँ और यहाँ भी रख रहा हूँ, मतलब एक साइड इसको दे रहा हूँ, एक साइड इससे ले रहा हूँ, एक साइड इसको दे रहा हूँ, एक साइड इससे ले रहा हूँ, 80 इसको दे रहा हूँ 80, यार जीरो इफेक्ट आएगा ना। गलती सिर्फ कहाँ है बेटा, इनमें, ये जिस तरीके से अप्रोप्रिएशन वर्सेस PSR, अप्रोप्रिएशन के तरीके से जाना था पर PSR के तरीके से चला गया, और PSR के तरीके से जाना था अप्रोप्रिएशन पर, फिर आप सर इसकी जिद करते क्यों, आप ऐसे करा दिया करो ना, आपको जिद है क्या बेटा, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। दूसरी बात समझना, एक मिनट मेरी बात समझना, अगर ये प्रॉफिट 2:2:1:1 में बटना था पर बट गया होता इक्वली, तो गलती यहाँ भी होती नहीं होती, तो आपको यहाँ आना पड़ता नहीं आना पड़ता, ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे तब आपको पता चलेगी कि सर ऐसे जिद क्यों करते थे। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद बच्चों की
धमाके शुरू होने वाले हैं, वो भी अपने आप से क्वेश्चन करेंगे खुद से। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:3। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, दे हैव ओमिटेड इट, सेम सर 42 है, 42 है सर, ठीक है, सेम है, बस एक वर्ड का फर्क है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एंड फॉर 2 ईयर्स, बस वहाँ एक साल का था या दो साल का था, 31 मार्च 2016। देयर फिक्स्ड कैपिटल 4, 6, 8, यहाँ वर्ड समझना, फिक्स्ड कैपिटल रखती है सारी बातें कहाँ से होंगी, करंट अकाउंट से, पर फिक्स्ड रखी क्यों है, कोई मुझे बच्चा ये बचा सकता है? बेटा मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था ना, चीख चीख के बोला था, मुझे पता है तुम स्टूडेंट हो, भूल जाओगे यार, इतनी बातें कहाँ स्टोर रहती हैं। मैं चीख चीख के बोलता था, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब जब आएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल आएगा, और फिक्स्ड कैपिटल में अगर कोई चेंज नहीं आया तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम होंगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम जाएगा। तो बेटा लड़ाई किसकी है? एप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर। पीएसआर गिवन है, कैपिटल जो है बेटा वो फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट बनेगा 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 8% पर है ना बेटा, तो एप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर आपके सामने। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो इनकी, जैसे निकालनी चाहिए थी। कितने पर्सन है ये? ए बी सी और मौज के लिए बना लो टोटल, सेम बैलेंस है, सिर्फ करंट अकाउंट से करना है। 4 लाख का 8% बेटा कितना होगा? कुछ बच्चों ने तो खुद से ही कर लिया होगा, 32,000। 6 लाख का 8% देखना बेटा 48,000, और 8 लाख का 8% देखना बेटा 64,000। तो 80 और 64, 1,44,000, 1,44,000। सर हमें भी बताओ ना इतनी फास्ट कैलकुलेशन। बेटा बस कुछ ही दिनों में आप मुझसे बड़े ज्ञानी हो जाओगे इसमें। इसको बेटा क्या लिखूँ मैं, प्रॉफिट्स शुड बी या टू बी क्रेडिटेड? इसे बेटा किस नज़र से देखूंगा मेरे बच्चे, क्रेडिट से या डेबिट से? सर क्रेडिट की नज़र से, कैसी बातें करते हैं। नेक्स्ट बेटा, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब इसी का टोटल जो इस रेशियो में गया होगा वो ऑलरेडी क्रेडिट होगा ना, उसको किस नज़र से देखूंगा बेटा? मैं बार बार बोल रहा हूँ डेबिट की नज़र से। तो 1:44 का 1:3, सर इसमें आपने पेनल अप्रोचमेंट क्यों नहीं बनाया? बेटा मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप बोलोगे फिर ये क्वेश्चन लंबा होगा, इसलिए नहीं बनाया, प्रॉफिट नहीं है पहली बात। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब वही वाली बात है कि चाय बनानी है और मीठी बनानी है और बढ़िया बनानी है, बट चीनी नहीं नहीं है। 1:44 1:3 में 1/6 ये आएगा बेटा 24,000, ब्लैक पेन उठाओ सर मज़ा आता है रंगीनियत। ये आएगा बेटा 48,000 और ये आएगा मेरे बच्चे 72,000, ठीक है बेटा। लाल पेन से करूँगा इनका डेबिट क्रेडिट का खात्मा। क्रेडिट का बेटा 32 और 24, डेबिट का 8,000 से क्या कर दूँ बच्चे, क्रेडिट 48 48 0, क्रेडिट का 64 और 72, डेबिट का 8,000 से बेटा क्या कर दूँ उसको डेबिट। सर इतना सरल, हे ईश्वर ऐसे सरल क्वेश्चन भी आते हैं। पर बेटा याद रहे कैपिटल अकाउंट ना हो जाए, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, सारी की सारी बातें करंट अकाउंट से होंगी। सर आप ना थोड़ी गलती कर रहे हो, मैंने बोला बताओ क्या बेटा, आप एक साल का कर रहे हो और बोल दो साल का रहा है। ओके, मतलब इसमें दो दो का इनटू सेम है ना, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट 16,000 से क्यों करा बेटा, क्योंकि एक साल का नहीं है बच्चे, दो साल का है। बींग पास प्रॉफिट रेक्टिफाइड, सेम नरेशन देना हर बार। लड़ाई किसकी है बार बार मैं बोल रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर, पीएनएल अप्रोशन बनेगा या नहीं बनेगा, और तीसरी बात फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट से होंगी सारी बात है, और क्रेडिट जो हो गया है उसे डेबिट की नज़र से देखना, जो क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट की नज़र से देखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, और घर पर ही रहें, वीडियो पर देखते रहें और क्वेश्चंस करते रहें। हम जंग जीत जाएंगे कोरोना वायरस।